हम लोग जा रहे हैं कैफे रेगिस्तान में, सऊदी के स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसी मुझे बैगन का भरता बना के बन के आई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सैटरडे, अनदर वर्किंग डे। स्कूल जा रही हूँ, थोड़ा बेटर लग रहा है। मेडिसिन कैरी कर ली है अगर कुछ होगा तो, क्योंकि आज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज है लास्ट वर्किंग डे और बच्चों को हॉलीडे होमवर्क भी देना है, जो कि मैंने नहीं दिया था। सोचा था कल दूंगी, बट कल तबीयत ख़राब होने की वजह से स्कूल नहीं गई। तो आज जाती हूँ स्कूल, स्कूल जाके बच्चों को हॉलीडे वगैरह होमवर्क दे के जो भी काम पेंडिंग है उसको कम्प्लीट करती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। और आज शायद हम लोग स्कूल के बाद फ्रेंड्स के साथ, बहुत पहले से प्लानिंग था, एक कैफे है बगल में, मतलब पास में ही है, वहाँ जाएंगे छुट्टी से पहले। तो लेट्स सी, क्योंकि कल तो मैं गई नहीं हूँ, मेरा डिस्कशन भी नहीं हुआ है। तो ब्लॉग में बने रहिए देखने के लिए कि हम कितना एंजॉय करते हैं कैफे में लास्ट वर्किंग डे बिफोर हॉलीडेज। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल ब्लॉग। गाइस, फाइनली हम लोग जा रहे हैं कैफे छुट्टी के बाद। पहले मुझे लगा चल है बाय। तो हम लोग जा रहे हैं कैफे, थोड़ी देर मस्ती मारेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। चले जैस्मिन, तो ड्राइव नहीं जा रहा है, हो गया होगा। तो गाइस देखो मौसम कैसा है, गंदा गंदा सा, मिट्टी मिट्टी सा। ऐसे नहीं लग रहा रेगिस्तान में, सऊदी के स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं। सो गाइज, लुक आरती, शी इज लुकिंग सो क्यूट टुडे। आज ये बैगन का भरता बना के बन के आई है। बैगन का भरता बन के आई है और तेरे पास अच्छी भी ये कलर सूट कर रहा है। चल गई मैं। ये तो गाइज बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप, तो ऐसे लग रहे जैसे थपड़े पे थपड़े मार रही है। ये रहा ओबन कैफे रेस्टोरेंट। कैफे पहुंचते ही सबसे पहले हमने मेन्यू देख के कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया। उसका बॉयफ्रेंड दिया नया बनाएगा। लेने के लिए बनाई थी, थोड़ दिया। तो अभी आई। है ना? ऐसे तो मासूम सी लग रही है, बट तू है नहीं इतनी मासूम। मैं हूँ, तू जल मत मुझसे। सिंगापुरी नूडल्स को देख देख के हमको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो आरती ने फटाफट मेरे लिए और अपने लिए नूडल्स निकाला और हमने फटाफट खाया। बट यू नो व्हाट, मैं खा नहीं पाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और आजकल मेरे को कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी लगता है। उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और वो पिज़्ज़ा पर आरती और राखी ने खाया, पूजा और मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि हमको पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर किया, दैट टू माय फेवरेट वनीला आइसक्रीम। ठंडी में आइसक्रीम मिल जाए तो बात ही अलग है, मज़ा सा आ जाता है इसको खा के। जो ऐसे लग रहा था जैसे कि सारी गर्मी एक तरफ और हम सारे दोस्त एक तरफ, मज़ा आ गया। उमा मैम का पोज देखो, कैमरा मैन। तो गाइस भी पूजा हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं। अरे यार अभी धूप में जाना पड़ेगा। हफ्ते से मैंने ये सब ले लिया, प्याज और ये तरबूज। अली मेरा बीटू, चलो 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 चलो, हाँ जी खाएंगे, चलो चलो। फाइनली मैं वापस घर आ गई हूँ और सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कल तो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कल थैंकफुली मैं घर में थी
और आज तो ऐसे लग रहा था स्कूटी में कि ना जो सूरज की जो किरणें है ना वो थप्पड़े मारी है, थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे ऐसे तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे लग रहा था, इतनी ज्यादा गर्मी थी। चलो लकीली मैं घर पहुंच गई हूँ और कल से हमारी छुट्टी स्टार्ट। यस, कल से हम लोग मस्ती मारेंगे, घर में रहेंगे, थोड़ी गर्मी की गर्मी में सूरज के थप्पड़ों से तो हम बच जाएंगे। तो चलो खाना पीना तो मैं खा के आई हूँ बाहर से, और रास्ते में प्याज सस्ते मिल रहे थे सुन लिया तो मैं प्याज ले आई, और खरबूजा, वो खरबूजा नहीं तरबूज लेके आई हूँ, बड़ा सा 3-4 किलो का है, काफ़ी बड़ा है और माइलू को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मैं आराम करती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज मम्मी ने ना मम्मी को तरबूज काटने को बोला, तरबूज के बदले मम्मी ने खरबूजा काट दिया। बोल रहे हैं कि ये कौन ख़त्म करेगा, पहले इसको ख़त्म कर तब जाके वो काट के दूंगी। और माइलू भी आ गए खाने के लिए। ये मम्मी की बात भी सही है, पहले इसको ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम वो खाएंगे। और माइलू नानी ने अभी बताया है कि तुम लोगों ने खा लिया है, ये मेरा हिस्सा है। खरबूजा खाएगा? सिट सिट गुड बॉय, खाएगा। तो गाइज मैं तो भूल गई थी कि मैं मम्मी और पापा के लिए नूडल्स लेके आई थी कैफे से, और ये मम्मी ने अपने लिए और पापा के लिए निकाल दिया है। और माइलू प्याज खा रहा है, माइलू प्याज खा रहा है, चोरी। ए, प्याज नहीं खाते हैं, उही हो जाएगा बच्चा। कैसी है? बहुत मिर्ची है। मिर्ची है भाई, मैं तो नहीं खा रही सर। यहाँ पे हमारा माइलू क्या कर रहा है, माइलू प्याज से खेली खेली कर रहा है, प्याज से। बॉल कहाँ, बॉल 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 कहाँ गया? ये माइलू का फेवरेट बॉल है, मेरे छोना का फेवरेट बॉल है, ले मेरे मुन्नु का। मैं तो थक गया, मेरा माइलू थक गया, प्यारा सा बच्चा थक गया। लाओ मम्मी को दो, मम्मी को दो। वाह, नहीं चाहिए, नहीं देगा, दे दो मम्मी को, मम्मी को दे दो, मम्मी को नया टॉय दिलाऊंगी। आज हम जल्दी चाय पी रहे हैं, आज हम 4:30 बजे ही चाय पी रहे हैं। किसी को नींद नहीं आ रही थी, कोई सोया नहीं था, तो सोचा कि चलो जल्दी से चाय पी लेते हैं, फिर बाकी के हम लोग काम निपटाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मम्मी चाय बना रही हैं, ये देखिए हमारी चाय उबल गई है। हेलो गाइस, अभी हम चाय पीते हैं, चाय बन गई। और माइलू भी आया है चाय पीने, चलो आ जाओ बाबू, आ जाओ, गर्मी लग रहा है, आ जाओ छोना, गुड बॉय, चलो। और यहाँ पे पापा देखो क्या देख रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी देख रहे हैं स्टार गोल्ड में। चलो अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ माइलू जाएगा मेरे साथ, मेरा छोना बच्चा है ये। गाइस अभी छोटू का कॉल आया था, छोटू ने गाड़ी के लिए कैमरा ऑर्डर किया था के लिए, तो देखते हैं, ऑर्डर आ चुका था, मम्मी ने रिसीव किया था, उसका कॉल आया कि एक बार चेक कर ले कैसा है या नहीं है, तो चलो चेक करते हैं फिर मैं दिखाती हूँ। मेरे को भी नहीं पता कौन सा कैमरा उसने ऑर्डर किया था, लेट्स सी। माइलू को भी देखना है क्या है इसमें, ये क्या है, अच्छा ये गाड़ी में ना पापा पैर मैट है, ये कैमरा के साथ गाइस ये मैट फ्री मिला है। मुझे लगा पापा ये निकाल से करो, हाँ बैठने का नहीं, बैठ जा, हाँ गुड बॉय। ये कैमरा है ना, खाना पता है, ये तो USB है, चार्ज करने वाला है। देखो गाइज ये तो उस कैमरा का USB है चार्ज करने के लिए, ये रहा ना इसका, ये रहा इसका तार,
कार से कनेक्ट करेंगे ना गाड़ी में, गिरा होगा। कैमरा दिखाना, तो गाइज ये है कैमरा जो गाड़ी में लगाने के लिए छोटू ने मंगाया है। अब ये उसका कैमरा है, ये स्क्रीन है। अब पता नहीं छोटू ने मंगाया, उसको पता होगा इसको कैसे चला के देखना है। बस उसने बोला कि एक बार चेक कर लो ना, हमें सर पैर पता है इसके बारे में और हमको बोल रहा है चेक करने के लिए। तो एनीवेज वो आएगा तो वो खुद ही चेक कर लेगा, बट चीज़ तो ठीक है। और माइलू को भी देखना है ये क्या है। देखो बस, नो नो सूंगा सूंगी, बस 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 बस, चाट लिया, हो गया। लो पापा रख दो। तो गाइज एक्चुअली लंबा ट्रैवल करने वाले हैं, 1200 किलोमीटर है पापा, गांव 1200 किलोमीटर है, 12 से 14, मतलब लगा लो कि 12 से 14 किलोमीटर के बीच में है। तो लंबा सफ़र है, अगर कैमरा लगा होगा तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि कुछ होगा, बट कुछ भी हो सकता है। तो अगर कैमरा लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। इसे छोटू ने बोला कि हम इसमें कैमराज लगा लेते, क्योंकि हमारी पहली फैमिली ट्रिप है, रोड ट्रिप है, पहली रोड ट्रिप विद आ फैमिली मेम्बर्स। वैसे तो हम गए हैं, छोटू और मैं जयपुर गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, तो इसीलिए छोटू ने ये कैमरा मिलाया है। वो शाम को आएगा, हमने देख लिया। अब देखो सच बात, टू बी ऑन क्या बोलते हैं, टू बी वेरी क्लियर, पापा और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, उसी को पता है। वो आएगा, वो देखेगा कि इसको कैसे चलाते हैं। कंडीशन तो हमें ठीक लगी, पर कंडीशन से क्या है, अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा, वो तो वही देखेगा। तो वेट करते हैं उसका, रात को आजकल वो ज़्यादा लेट आता है, 8 से 9 बजे के बीच में आएगा, फिर हम देखते हैं ठीक है ये नहीं। गाइज हमारा एक और पार्सल आया है, लेट्स सी ये कैसा है। मम्मी ने खोल दिया पार्सल, नाउ लेट्स सी मम्मी को पसंद आता है ये नहीं। माइलू को ज़्यादा चाहिए, देखना है एक्चुअली, उसको देखना नहीं, उसको पन्नी लेके भागना है। ये हमने कॉटन कुर्ता सेट मंगाया, तो ये हो गया कुर्ता और ये हो गया पैंट। गाइस मम्मी को तो ये कुर्ता सेट बहुत पसंद आ गया, क्वालिटी गर्मी नहीं लगी तो मम्मी चलो ओके है। बस इसके लिए हम वाइट चुनी है चाहिए, और वो हमारे पास है। तो फाइनली दोनों चीज़ जो आज आया है, दोनों चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सबको पसंद आएगा। तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं मम्मी के साथ बाज़ार, क्योंकि आज है सैटरडे और आज है सब्जी भरने का दिन घर में। तो फटाफट से हम जाते हैं और फिर हम आते हैं। गाइज़ फाइनली हम लोग मार्केट से आ गए, और 10 बजे से लाइट गई हुई है और अभी तक आ ही नहीं रही है, 1 घंटा हो गया। तो बस अब हम लोग डिनर करते हैं। तो आज मार्केट से हम लोग छोले भटूरे लेकर आ गए थे, तो हम खाते हैं छोले भटूरे बस एक ही लाइट में, इन्वर्टर की लाइट में खाते हैं पीते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।